अच्छा अजी आसफ अली जरदारी साहब, स्पीकर साहब पहले तो मैं आपकी अटेंशन ड्रॉ कराना चाहूंगा ऑर्डर ऑफ द डे पे कि टुडे इज अ वोटिंग डे। मैं जनरल उमर साहब के बांग्लादेश की से शुरू करके कहां तक कहानी खत्म करूं, इनके अपने एंग्रो के किससे शुरू करूं, मैं पर्सनल नहीं होना चाहता किससे। मैं कभी नो क्रॉस टॉक प्लीज। मैं ना कभी हुआ हूं ना होता हूं, ना मैं पर्सनल ऑफेंस लेता हूं। चाहे अक्सर जज्बात में लोग काफी कुछ कह जाते हैं, किसी का लीडर तो कहता है कि मेरी उसकी बंदूक के नाली पे मैं हूं, तो ये शिकारी भी हैं, क्रिकेटर भी हैं, मुल्क भी सही चला रहे हैं, तो आखिर ये किस बात का रोना है, क्या बात है? ये जो फॉरेन एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये 150% डिवैल्यूएशन के बात कर रहे हैं, इस पे तो मैं छोड़ के गया था लास्ट। नो क्रॉस टॉक प्लीज। हुकूमत में मैं इस फिगर पे इनकी एक्सपोर्ट पाकिस्तान की छोड़ के गया था, और वो इस डॉलर रेट पे नहीं थी जो इनने डॉलर के साथ हाल किया है। 100% डिवैल्यूएशन स्टेट बैंक करती है, 100% 2.5% कल नहीं परसों इन ब्याज बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। सो नो क्रॉस टॉक प्लीज। बहुत सी चीजें हैं जो इनको समझाने की जरूरत है, और एक दिन इंशाल्लाह ये समझेंगे, बिकॉज पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास। इनके यहाँ काफी हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी से गए हुए हैं, इंशाल्लाह वो एक दिन वापस आ जाएंगे। तो मैं सिर्फ आपसे बड़े मुदबाना तरीके से ह्यूमिलिटी से ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि आप वक्त ज़ाया ना करें, वोट कराएं, एक चीज़ अपने इख्तिताम पे पहुँचे और फिर हम देखेंगे। नहीं तो कल जैसे हमारा ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीशन आया है, मार्केट 700% ऊपर गई है, डॉलर 3.5 रुपीज नीचे आया है। इनको तो नजर नहीं आता क्योंकि इनको परवाह नहीं है ये क्या बातें हैं, ये क्या राज हैं। किसी दिन कभी मैंने आर्टिकल लिख दिया या किताब लिख दी तो फिर उसमें ये सारी बातें मैं करूंगा, और फिलहाल मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि वोट 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 एंड नथिंग बट वोट। कल को मैं नहीं चाहता जी असद महमूद साहब, सर कल को मैं नहीं चाहता हूँ जी प्लीज कि हम आपके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाएं और कहें कि जी स्पीकर ने वोट नहीं करवाया, कोर्ट की जो है वो तोहीन की है। मैं नहीं चाहता, सियासत है, पाकिस्तान में रहना है, ताल्लुकात भी बर रखने हैं और ताल्लुकात बना के रखने हैं, ये नहीं कि खराब करके रखने, सवाए एक शख्स के। हम हर पॉलिटिकल फोर्सेज से बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, बात की जा सकती है, इनके अंदर बैठे हैं दोस्त जिनसे मैं बात कर सकता हूँ, मगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। सो प्लीज़ ये इजाज़त दें, वोट कराएं, इस महले को ख़त्म करें, इस माहौल को ख़त्म करें, आगे बढ़ें ताकि पाकिस्तान की बेहतरी करा सकें। थैंक यू। एक चीज़ मैं जरदारी साहब ये क्लियर करूँ कि बिल्कुल मैं सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको ट्रू स्पिरिट के साथ इम्प्लीमेंट करूंगा और उसके ऊपर अमल दवा रखूंगी। जी असद महमूद।